If Atma is pure, then why people behave differently in their lives and day-to-day dealings? That's right. Yeah. Because you see, what has intrigued me, I have been to many discourses so far, and met many masters. This particular question has really intrigued me over the time. The same spirit, which is a common factor, which they say that the only good thing which you have in yourself and God is the spirit, because spirit can do no wrong and you are absolutely pure. So if you can link up with God, this is the only common factor. Now the question arises here that Ravana was one, which we all believe is the devil. Ravan. Huh. And Ramchandraji was pure, embodiment of purity. Spirit was common in both of them. Actions of one. If the spirit governs the actions of an individual over the period of time, then how is it that one was doing everything which was wrong, and on the other side, the other one, that's Ramchandraji, was doing everything which was right? That's my question, actually. See, there is theory of karmas also, see. And regarding the Ram and Ravan, one thing I have to tell you. See, there are a lot of wrong beliefs regarding Ravan. See, Ravan was not an ordinary person. He was not a crooked. He was a very great scientist. He was Gyani. He was a very great person. And whatever he has done with Sita, उस सीता के साथ उसने जो कुछ किया था वो कुछ विषय के लिए नहीं किया था, वो अहंकार से किया था. अहंकार के मारे किया था कि राम इसको जीत के लेके गया और मैं रह गया इतना छोटा छोकरा. अहंकार ने उसने उसको अभी टच भी नहीं किया, उसको कुछ नहीं किया है. ले और ये युद्ध था, ये निर्माण निर्मित था, ये सीता निमित्त बन हो गई उसके क्या. जैसे महाभारत का युद्ध निर्मित था, एंड इट हैज इट, वो एक्शन में आ चुका था, फल देने के लिए सन्मुख हो गया था, इसलिए वो उसको कोई रोक नहीं सकता. श्री कृष्ण भगवान स्वयं रोकने गए तो भी नहीं रुका. इट हैपन्ड. उसका निमित्त द्रौपदी हो गई थी, अंधे के सब अंधे तोड़ा दिया था, टॉन्ट मारा था. सी दिस आर ओनली एविडेंसेस, लेकिन देर आर सो मेनी सर्कमस्टेंसेस. जब इकट्ठा होता है तब एक एक्शन कार्य होता है. हम एक को पकड़ के बैठते हैं और उसको लेके चलते हैं, और कितना भी हो, लेकिन आप अपना खुद का तो कर्म होता ही है. फिर राम हो, महावीर हो, कृष्ण हो, कोई भी हो. आप कहते हैं कि द आत्मा इज प्योर, देन व्हाई पीपल बिहेव डिफरेंटली. तो कर्म इज अलग चीज़ है और आत्मा इज अलग चीज़ है. देर आर टू थिंग्स इन ईच एंड एवरी लिविंग बींग. दो चीज़ें हैं, एक आत्म भाग है, दूसरा अनात्म भाग है, एक रियल पार्ट एंड रिलेटिव पार्ट. दो एलिमेंट्स रहते हैं, जड़ और चेतन, दोनों का मिक्सचर है अपने अंदर. और मिक्सचर से थर्ड एलिमेंट भाष्यमान होता है, इल्यूशन होता है. दैट थर्ड एलिमेंट्स होता है, दैट इज ईगो. जैसे ये कॉपर एंड गोल्ड, दीज आर टू एलिमेंट्स, प्योर एलिमेंट्स है, मिक्सचर में है. लेकिन अभी इसको आपको थर्ड एलिमेंट लगता है. नीदर 100% गोल्ड और नीदर 100% कॉपर, दोनों उसका मिक्सचर है. ये मिक्सचर से आपको अलग 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 डिज़ाइन हो सकती है. ओरिजिनल एलिमेंट से कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन दोनों मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं हुआ है. अगर कंपाउंड रहता तो यू कैन नॉट अचीव द ओरिजिनल एलिमेंट्स अगेन. तो ये मिक्सचर है और दोनों के प्योरिटी इंटैक्ट है. इसको जब सेपरेट कर सकते हो तो वैसे 100% प्योर गोल्ड आपको मिल सकता है. अभी भी एवरी एटम ऑफ गोल्ड एंड कॉपर, दे आर एट 100% प्योर स्टेज. और इसी तरह हमारे अंदर भी आत्म तत्व और जड़ तत्व, परमाणु जिसे मेडअप ऑफ एटम्स, उसका मिक्सचर है. एक कॉम्बिनेशन में दूसरे अलग 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 दिखाई देता है. और जो कॉम्बिनेशन में से जो रॉन्ग बिलीफ खड़ी होती है ना,
कि दो कॉम्बिनेशन को थर्ड एलिमेंट होता है ना कॉम्बिनेशन से, उसको मैं हूँ ऐसा जो मानता है वो ईगो है, अहंकार है, और ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर विथ ईगो, उसका ही, उससे ही ये सब संसार खड़ा हुआ है। ओरिजिनल एलिमेंट को कुछ लेना देना नहीं है, वैसे के वैसे अपने प्योर है, जैसे लाइट है, ये लाइट अपना लाइट सबको लाइट देती है, लेकिन ये लाइट का यूज़ हर एक अपनी अपनी अकल से अहंकार से करता है, अच्छा करे तो अच्छा फल मिलता है, उसको बुरा कर तो उतरा, मैं करता हूँ करके करता है, एक्शन का रिएक्शन उसको आता है, लाइट को इससे साथ कोई लेना देना नहीं है, जो यूज़ करता है उसका रॉन्ग और राइट उसका लेना देना है। इसी तरह से आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वो सबको ज्ञान देता है, लेकिन बीच में जो अहंकार खड़ा हो गया है ना दोनों के मिक्सचर से, उसको लगता है कि ये मेरा ज्ञान है मैं, और क्रिया सब जड़ तत्व की, अनात्मा की, आत्मा करिए करता है, क्रिया सब अनात्मा विभाग की होती है, हो रही है, चल रही है, स्पॉन्टेनियस चल रही है, तो ये अहंकार मानता है कि मैं करता हूँ। तो दोनों का मिक्सचर होने से दोनों के फंक्शंस को ईगो मानता है कि मेरा है, मैं करता हूँ, उससे सारा क्रोध मान माया लोग खड़ा हो गया है। ओरिजिनल आत्मा को इसके साथ कुछ, इसका सिर्फ प्रेजेंस ही है, इसकी डोरशिप नहीं है, सो इसीलिए वो इसको प्योर कहा है। रेवोड मदर, ये बात बताइए, अगर तीनों चीज़ें कॉमन नहीं है, कॉमन के मैंने समांतर आई थिंक इसमें एक दूसरे का मिलावट है, जैसे कि आत्मा हुआ, ज्ञान हुआ, एक्शंस हुए, अगर और स्पिरिट हुई, अगर ये चीज़ तीनों शामिल नहीं है, अलग अलग हैं, तो ये बताइए एक आदमी जो आज क्रिमिनल है, कल वो बिल्कुल क्राइम छोड़ के बहुत साधु संत बन जाता है, ये कैसे होता है फिर? दैट मीन्स आत्मा भी बदले नहीं, आत्मा कांस्टेंट है, उसकी आदतें या उसके जो कार्यक्रम एक्शंस हैं, हाउ डू दे चेंज? हो सकता है ना, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, दिस इज ये सब अकॉर्डिंग टू सरकमस्टेंसेस, जिसको हम कर्म कहते हैं ना, वो कर्म इज नथिंग बट सरकमस्टेंसेस। आत्मा को साथ जितने जितने सरकमस्टेंसेस उसके सामने आए अनात्मा के, वहाँ वो इन्वॉल्व होके करता होता है तो उसका कर्म चार्ज होता है, तो करता हुआ तो उसको भुगता होना पड़ता है, उसको डिस्चार्ज, हम जो देख सकते हैं वो डिस्चार्ज तेज है कर्म की, और वो पास्ट लाइफ में ये करता होकर चार्ज करके लाया है कर्म, और ये लाइफ में डिस्चार्ज स्टेज को हम देख सकते हैं, राइट फ्रॉम बर्थ टू डेथ एवरीथिंग इज हैपनिंग, हर एक के लाइफ में ये सब होते रहता है, इट्स गोइंग ऑन, सी हमने कुछ ना किया हो लेकिन यू हैव टू फेस सो मैनी थिंग्स, सो इट्स ऑल थियरी ऑफ कर्मास। तो ये सब कोई, हर कोई अच्छा क्रिकेट पर्सन साधु संत नहीं हो जाता है, पर जो कोई ऐसा एक्सेप्शन ऐसा लेके आया है कर्म, वो वालिया लुटारू में से वाल्मीकि ऋषि को भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे हैं, नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन दे आर वेरी फ्यू, मेजॉरिटी 99.99% यूनिवर्स में ऐसे ही चलता है, कोई एक्सेप्शनली ऐसे अच्छे हो जाते हैं, पापी में से पुण्यशाली हो जाते हैं, बट दैट कैन हैपन अकॉर्डिंग टू द कर्मास, देर इज नथिंग न्यू, इट कैन हैपन, और अच्छा वाला बुरा भी हो जाता है, बड़ा बड़ा साधु भी, दैट कैन बी हैपन। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं दो सवाल और करना चाहूँगा। हाँ ज़रूर। पहला तो यह है कि सब साधु संत और बुज़ुर्ग लोग हमेशा ये कहते हैं, जो मैं सुनता आया हूँ, कि बेटे अच्छा कर्म करो तो आत्मा शुद्ध होगी। दूसरी तरफ मैं ये देखता हूँ कि जब एक आत्मा आती है बच्चे के अंदर कंसेप्शन के बाद, तो बड़ी शांति से आती है, लेकिन ज़्यादातर मैं देखा जब आत्मा शरीर को छोड़ के जाती है तो कुछ लोगों को इतना कष्ट होता है, उसको देख के समझ में नहीं आता, और मैं काफ़ी कंफ्यूज होता हूँ कि भाई इतने लोगों ने, इसने ज़िंदगी भर पुण्य किए थे, अच्छे काम किए थे, इसका भी बहुत ऊंची आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, साधु है, संत है, लेकिन वो सफ़र करके जाती है आत्मा छोड़ के, उसको तकलीफ़ें होती हैं। तो अगर आत्मा प्योर है जैसा कि आपने फरमाया,
तो ये बताइए कि जब वो आते वक्त तो बड़ी शांति से सब जगह आ गई, हर एक बच्चे के अंदर आ गई, पर जब जाती है कुछ लोगों को इतना कष्ट होता है कि आत्मा निकलते वक्त जाते वक्त भी बहुत कष्ट देती है, ये क्या समझ? अरे आते वक्त भी बहुत कष्ट होता है, आपको नहीं पता है? आप तो बड़ी जाहो जलाली से आए होगे। इट्स नॉट इजी, 9 मंथ्स कितनी अंधेरी कोठड़ी में रहना पड़ता है और कितनी मुसीबत में आना पड़ता है। इट्स नॉट इजी। हमारा एक्चुअली MD गायनेकोलॉजी में ऑब्स्टेट्रिक्स में हुआ है, आई नो बेटर। मगर ये बताइए फिर कि अभी, हाँ फिर आपका क्वेश्चन का आंसर देते, जो आप कहते हैं ना कि अच्छे बड़े अच्छे कर्म करते हैं, साधु संत होते हैं, फिर भी उनके मृत्यु के समय उनको बहुत कष्ट होता है, तो ये जो अभी जो उन्होंने कुछ किया, सी द अगेन थियरी ऑफ कर्मास, अगेन यू हैव टू रियलाइज अंडरस्टैंड बहुत करेक्टली। अभी जो सब सामान्य लोग जो थियरी ऑफ कर्म समझते हैं ना, वो बहुत कंफ्यूजन वाली बात है। कर्म किसे कहते हैं? आप जो किसे जिसे कर्म कहते हैं वो कर्म फल है, जो आप 5 senses से आपको दिखता है ना, वो दैट इज द रिजल्ट ऑफ कर्म। कर्म फल है, डिस्चार्ज कर्म है, और जो चार्ज कर्म होता है ना, वो सूक्ष्म में होता है, दिखता नहीं है, अंदर होता है, और वो कर्ता भाव से कर्म चार्ज होता है, कर्ता भाव से, क्रिया से नहीं। क्रिया तो कर्म का फल है, परिणाम है, रिजल्ट हुआ, जो चार्ज किया था उसका डिस्चार्ज में आया। तो अभी जो साधु संत ने अच्छा किया तो वो चार्ज किया, और क्रिया को मत देखो, लेकिन अंदर उसका उस समय क्या था। I'll give सिंपल एग्जाम्पल, उससे आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सैन उजे के ये टेम्पल के सब ट्रस्टी लोग आए आपके पास से $50,000 पैसे मांग रहे हैं, डॉलर्स दे रहे हो दान में, डोनेशन। आप हाना हाना करते करते दे दोगे $50,000। फिर आपका फ्रेंड आपके पास आकर कहेगा, अरे इधर इतने सारे क्यों दे दिए, ये सब चोर है, सब खा जाएंगे। तो आप क्या कहोगे? अरे मैं सबको पहचानता हूँ, एक एक को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये इंस्टीट्यूशन का जो चेयरमैन है ना, वो मेरा संबंधी है, वेवाई उसके प्रेशर से मुझे देना पड़ा, नहीं तो मैं $5 भी दूँ ऐसा नहीं है। बोलो ऐसा हो सकता है कि नहीं? उसे बाहर तो आप अच्छा करते हो, लेकिन अंदर मन में ना हो। कितनी बार होता है, बहन लोगों को बोलो गेस्ट आए हो, ससुराल वाले सासू ननंद का फोन आया तो कहेंगे, बच्चों को कह दे सो गई है। बाहर कुछ और अंदर कुछ, कितना होता है ना। तो जो आओ तो पूछा आपके फ्रेंड ने, तो आपने बोला नहीं, तो अंदर ही था तो सही ना। सी बाहर तो आपने कितना अच्छा पुण्य कर्म किया, 50,000 का दान किया, लोग भी आपकी वाह वाह करेंगे, तारीफ करेंगे, बहुत बड़े दानवीर हो गए, और तख्ती पख्ती लगाएंगे ग्रेनाइट में, गोल्डन में, वाह वाह नाम हो गया कि बहुत पुण्य कमाया, कहेंगे अगला जन्म का। लेकिन कुदरत के कानून में, कर्म के सिद्धांत में, आपने कुछ कमाई नहीं की, पाप बांधा, अंदर इंटेंशन क्या था, क्रिया को नहीं, क्रिया तो आपने गया जन्म में कुछ भाव किया होगा कि दान करना चाहिए, उसके हिसाब से ये परिणाम में आया, इट हैपन, फिनिश हुआ कर्म का, वो कर्म का पूरा साइकिल पूरा हो गया, आपने दे दिया। लेकिन आपने नया क्या शुरू किया साइकिल, $5 भी नहीं दूंगा, तो अगले जन्म का पाप बांधा, और आपकी जगह पर कोई और कोई रहा तो उसके पास कोई पैसा नहीं, लेकिन $5 है,
तो वो कहेगा कि मेरे पास सिर्फ $5 ही है आप, लेकिन सब जितने हैं सब दे देता हूँ, लेकिन आज मेरे पास $5 लाख रहते थे ना तो मैं $5 लाख देता था। ऐसा करके भाव से दिल से देता है, तो $5 देता है लेकिन बांधता है $5 लाख का पुण्य कमाता है। इस तरह से अंदर सूक्ष्म में कर्म बंधा जाता है, स्थूल एक्शन में नहीं। एक्शन तो रिजल्ट है, यू कैन सी रिजल्ट, मीन्स इट इज़ विजिबल इन, और ये इनविजिबल होता है। तो ये जो साधु संत अभी इनविजिबल में क्या करते हैं तो अपने को मालूम नहीं, किसी को नहीं मालूम, उनको भी शायद नहीं मालूम होगा। लेकिन सपोज हम समझे कि अच्छा किया, पुण्य कमाया, लेकिन वो तो उसको अभी नेक्स्ट लाइफ में उसका फल मिलेगा। अभी जो उसको मरने के वक्त जो दुख आ रहा है वो पास्ट लाइफ में उसने जो पाप बांधा है उसका फल आ रहा है, उसको अशाता वेदनीय कर्म कहते हैं। मरते समय या जीते जी भी उसको कुछ ना कुछ भुगतने को आता है। तो पिछले जन्म का है, ये जन्म का नहीं है। अभी तो ये तो आज के संत जन्म की बात जाने दो, पर रामकृष्ण परमहंस कितने महान थे, उनके तो अंदर बाहर सभी प्योर था, लेकिन फिर भी उनको कैंसर था। लेकिन उनको अंदर से ये अवेयरनेस बहुत अच्छी थी, तो उनको पेन नहीं था, कुछ नहीं सफरिंग था। उसका एक प्रसंग भी है, उनका एक पेन जाने का। बहुत सारे को ऐसा होता है क्या, लेकिन वो पिछले जन्म का कर्म, और ये काल में कली काल में ये सब कर्म सब अच्छे नहीं लेके आते, इसलिए तो कलयुग में जन्म हुआ है। सफरिंग तो बहुत लेके आते हैं, दिस वे और दैट वे, और कुछ नहीं रही बाहर की तो एटलीस्ट शरीर का तो कुछ रहेगा। कलयुग की तो निशानी है, सत्युग में बहुत अच्छा था सब, सब सच्चा अच्छा अच्छा, यहाँ अमेरिका में सब सुख है, लेकिन ये शरीर के दुख तो यहाँ भी है। हाँ, ये डॉलर से कुछ अच्छा नहीं होता है, फैसिलिटी देंगे आपको अच्छी अच्छी हॉस्पिटल, लेकिन खुद को सफ़र तो करना पड़ेगा। और यहाँ एक ज़्यादा है, हमने देखा यहाँ इतना होगा तो उसको सफरिंग इतना हो जाएगा, कैन नॉट सफर, कांट बेर, आई कांट बेर, थोड़ी सी गर्मी होगी तो इट्स वेरी हॉट है। अरे हमारे वहाँ तो 47 डिग्री थी अहमदाबाद में, तो भी सब अच्छे तरह से जीते थे, काम करते थे मजदूर लोग धूप में, लेकिन बैर, क्योंकि यही उनका जीवन है, इससे आगे और कुछ नहीं मिलने वाला है, सो एडजस्ट हो जाते हैं। और यहाँ एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है, एडजस्टमेंट में बहुत लैकिंग होता है वहाँ, एडजस्ट एवरीवेयर थोड़ा सा, क्योंकि इतना सारा डिसकम्फर्ट है, नो फैसिलिटीज़, तो फिर एडजस्ट होना ही पड़ता है। और यहाँ सब फैसिलिटीज़ मिलती है, जहाँ देखो वहाँ, फिर एडजस्टिंग पावर कम हो जाता है। यहाँ के टीनेजर्स वगैरह तो बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो सकते, सारा दिन तन 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 करते हैं। हम बोलते क्या है, शांति से खड़े रहो, बैठो, बातें करो, तन तन तन, खाते समय भी शांति नहीं, तन 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 तन, ये नहीं अच्छा नहीं, वो नहीं अच्छा नहीं, अरे जो है तो खा ले, प्रेम से खा ही नहीं सकते। अच्छा खासा अच्छा आया है खाना तो भी देखे नॉट इट, और अपने वहाँ नहीं है सूखी रोटी और चटनी है तो भी प्रेम से खाएगा बेचारा, पानी पी के सो जाएगा। और यहाँ तो इतना सारा जंक फूड है, अच्छा फूड है, सब कुछ है, न्यूट्रिशियस है, और बड़े ड्रग स्टोर में से ले आते हैं, इधर से ले आते हैं, न्यूट्रिशियस कितनी सारी चीज़ें रहती, तो अभी वो अच्छी तरह से नहीं खा सकता है, तन 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 तन, ऐसा है ना वैसा है, अच्छा नहीं वैसा नहीं। ब्रेड तो कितनी वेराइटीज ऑफ ब्रेड है। और आपने यहाँ एक हमने देखा है, संतोष क्यों रहता है कि वेराइटी इतना नहीं ढूंढता है माइंड, ये हमने रिसर्च किया यहाँ, यहाँ के सबको माइंड वैरायटीज मांगता है, चेंज मांगता है, चेंज मांगता है। और अपने वहाँ ओल्ड इज गोल्ड, एक एक जो है वो हमेशा वैसे का वैसा ही, यहाँ तो थोड़े दिन के बाद अभी नहीं, नया कुछ लाओ, नया कुछ लाओ, पेप्सी में भी नया नया टेस्ट, कोको कोला में भी नया नया टेस्ट, वेनीला टेस्ट लाओ और लेमन टेस्ट लाओ और फसाना लाओ दिसना लाओ, और अपना एक थम्सअप बोले तो थम्सअप, नो अदर अप,
only thumbs up, no other up. अभी तो कोको कोला को नहीं मानता है, थम्स अप ही मानता है. टेस्ट जल जो भी है ना, एक ही इतना छह नहीं मान. अभी की जनरेशन में थोड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी दे आर सेटिस्फाइड विथ वन थिंग, ओल्ड इज गोल्ड. यहाँ तो ओल्ड वकी गोल्ड की क्या बात, ओल्ड ही नहीं चाहिए. ओल्ड यानी बूढ़े माँ बाप भी ओल्ड नहीं चाहिए. सब चीज़